यहाँ पर है ना रियाज आज बैठ चूहा लाया है, तो बस सोनी को उससे डरा ही रहा था, और सोनी भी है ना डर भी रही है और खेलना भी उससे। तो बस सुबह का जो मेरा काम है बस वही चालू हो चुका है। तो यहाँ पर है ना बॉक्स रखा हुआ है, तो रियाज ने उसमें ही चूहे को डाला हुआ है। तो सोनी बार बार है ना उस बॉक्स को गिराने के लिए कर रही है, तो रियाज उसको मना भी कर रहा है फिर भी नहीं मान रही है। तो मैंने है ना उसको बुला के अपने पास में बिठा लिया कि वो उस बॉक्स को ना गिराए, क्योंकि है ना वो उसके फ्रेंड्स का चूहा है, और बाहर है ना हमारे इधर मतलब बहुत सारे कुत्ते भी हैं, तो अगर वो खुल गया ना तो बाहर निकल जाएगा वो, और फिर अगर खा वा गए तो अच्छा भी नहीं है ना, तो इसलिए। और यहाँ पर फिर आप देखोगे ना तो आज जैसे कि मैंने इस कमरे की साफ़ सफाई तो पूरी कर ली है, बस अब है ना मुझे पर्दे ही चेंज करने थे, तो बस उसी में लग गई हूँ मैं पर्दे चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पर्दा है ना आजकल है ना खिड़कियों में छोटे पर्दे तो लगते ही नहीं है, बड़े बड़े पर्दे लगते हैं। तो मैंने है ना मेरे पास दो पर्दे एक जैसे थे, तो वो मैं खिड़की और मतलब दरवाजे में लगा देती हूँ, और ये जो अलग सा पर्दा था ना इसको मैंने बीच में से काट के इसको ही दो करके बनाया था। अधिकतर टाइम है ना मैं ही है ना पर्दे बनाती हूँ, और ये जो आप ब्लू वाला पर्दा देख रहे हो ना ये भी मैंने ही बनाया था, ये तो मैंने पूरा ही बनाया है, इसका कपड़ा ला के और झालर ला के ये मैंने ही बनाया था। तो बस है ना आज मुझे चेंज करना था, तो ये भी चेंज कर लूँगी, और पूरे घर की भी मतलब है ना, और नीचे की तो हो ही चुकी है सफाई, और ऊपर की भी आज हो ही जाएगी। और कितना भी है ना देखो मैं आपको बता दूँ कि कितना भी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो वो फैला ही देते हैं। मतलब कितना भी मतलब साफ़ करो, पर छोटे बच्चों वाला घर रहता है ना तो वहाँ आप समझ ही सकते हो। मतलब मैं करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर है ना मैं ये लेके आई थी ये पत्तियाँ, तो यहाँ पर जो तार है ना हम लोग ने अंदर से वायरिंग नहीं कराई थी, तो अभी दिवाली पे है ना मुझे कलर भी करवाना है, तो मैं है ना वायरिंग भी करवा लूँगी। तो यहाँ पर है ना ये सब पत्तियाँ लगा लूँगी मैं, मुझे अच्छी लगती है पत्ती, मात्र 50-60 रुपए में आ जाती है ये पत्तियाँ, तो अभी इधर की तरफ भी लगा लूँगी मैं। और यहाँ पर गैलरी में सब है ना कितना भी पोछा लगा लो पर बाहर से धूल बहुत हो जाती है, तो बहुत ही मतलब है ना धूल ही धूल दिखती है। और ऊपर टान के लिए भी है ना ये मैंने पर्दा बनाया था, तो है ना मेरे पास मतलब है ना पुराने जो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर जो मेरा रूम है ना बस ये आज अच्छे से क्लीन हो गया है, और बस इन सब को ही करने में मुझे बहुत ही थकान सी महसूस होती हो रही है, मतलब मैं थक चुकी हूँ और अब थोड़ी देर सोऊंगी मैं, और खाना खाने का भी मन नहीं है। यहाँ पर मैंने ना स्टेप्स को सजाया है, तो बस मेरा रूम ऐसे ही सजा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं करा है मैंने, बस इस रूम को सुबह से साफ किया है मतलब खाना ना बना के, और अभी मैं बस आई हूँ नहा के और ब्लॉग में मतलब आपसे बात कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, तो मैं थोड़ा लेट जाऊँगी ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से आपसे। बरसात के टाइम में भागने का समझ में भी आता है कि बारिश हो रही है, अभी बिन मौसम बरसात, कपड़े भी पहने बिन मौसम बरसात से तो हम परेशानी है। और अभी बस जस्ट इसको सुला के आई थी नीचे कि जो है ना अपना फटाफट काम निपटा लेंगे, तो ये भी मेरी भाग दौड़ से उठ के बैठ गई
और क्या कर रहे हैं अब थी जो से भागे हम कि ये उठ के बैठ गई। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे है और मैं यहीं पे इसको करूँगी एंड। हमारी सोनी हमारी सोनी की भी तो खराब है क्योंकि उसके ना दांत आ रहे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और उसकी भी खुद की तबीयत खराब है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। छोटी बच्ची है मेरी छोटी सी सोनी। चलिए फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।